क्या ऐसी चीज है जिसने आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाया हुआ है? आप वेट तो पूरा दे रहे हैं, क्या पता इसके पीछे इस वेट में क्या शामिल है, ये बात मायने रखती है सर। ये काटन है हमारा, सही आवाज है, देख रहे हैं आप, बेहतरीन हैवी काटन है ये, 5 kg का आई थिंक। सही है। ये काटन मैं हल्का कर देता हूँ, क्वालिटी सस्ती हो जाएगी। आपने इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च कर दिया है, आप बता रहे हैं कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतरीन है, तो ऐसा क्यों है? क्या आप चाहते हैं ये सिर्फ घर तक रहे? अरे बंदा क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है यार, मेरा 10,000 का राशन आता था, आज 15,000 में नहीं आ रहा। ऑयल के रेट पे थैली बिक रही है, बात ये समझने वाली है। ना तेरा कमीशन, ना इसका कमीशन, ना उसका कमीशन, डायरेक्ट फैक्ट्री से ले ले मेरे भाई। देखें 150 रुपये बचा के डॉक्टर का बिल ना पड़वाएं। अस्पताल के अंदर बिल तो पड़ता है, अजियत भी बहुत होती है। वुमेंस डे आ रहा है तो वुमेंस डे के ऊपर एक अपनी माँ बहन बेटियों के लिए एक छोटा सा बिजनेस दे देता हूँ। बिजनेस? बिजनेस फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी के आपके साथ घर पहुंचा के। ठीक है, कराची में कहीं भी? कराची में कहीं भी। काम आपका पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची पूरे में? पाकिस्तान में। खुले तेल में एक शॉप होती है, उसमें एक टंकी होती है। सादे देखिए, आपके सब्सक्राइबर मेरे भाई सब सादे अल्फाज वाले हैं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, क्लियर बात करूँगा। टंकी है, उसमें माल आता है, माल भरता है, नीचे नलका लगा हुआ है, वो भर रहे हैं, थैली घुमा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। उस टंकी की कभी जाके वीडियो बनाई है आप? लगता है कि यार ये तेल कम है, और वाकई ही मैं इस पैकिंग में जो तेल होता है ना, या इसमें जो तेल होता है सर, वो कम होता है, ये वाला मसला है मुझे। क्या फायदा अब यहाँ से कमा लेंगे? ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई। सच्चाई ये है कि ये माल प्योर है। ईमानदारी क्या है कि मैं अच्छी चीज डाल रहा हूँ। दयानतदारी क्या है? आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं। हमारी इस्लाम में हमको ये बताया गया है कि वजन में चोरी करने वाला, वजन में डंडी करने वाला हम में से नहीं है। मैं हर चीज़ पे रिसर्च करके यहाँ आया हूँ, सही। मुझे पता है कि ऑयल क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? तो जी हम आज ऐसे ऑफिस में हैं जिसका कुकिंग ऑयल बन चुका है हर घर का मिजाज। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं मिजाज कुकिंग ऑयल के CEO उसामा साहब के साथ। इनसे हमें मालूम करना है यार, ऐसा भी ये क्या, कैसा, किस किस्म का कुकिंग ऑयल है जो कि हर घर का मिजाज है। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, ऐसा क्यों है कि आपका मिजाज कुकिंग ऑयल हर घर का मिजाज बन चुका है? मामला यह है कि अब मार्केट में घरों पे हमारे अपने जितने जानने वाले हैं उनके पास जाओ तो पता चलता है मिजाज कुकिंग ऑयल एक आ गया है। तो हमने सोचा कि इसको ढूंढने मिजाज कुकिंग ऑयल के CEO साहब कौन है जिन्होंने इतनी बेहतरीन क्वालिटी को मेंटेन किया है, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी को भी मेंटेन किया है। तो उसामा साहब, आप हमें ये बताइए कि ये जो आपका मिजाज कुकिंग ऑयल है, ये क्यों, अब क्यों लोगों के घरों का मिजाज बन गया है? ऐसी क्या वजह है, क्या टेक्निक्स हैं इसके पीछे? एक ही अल्फाज है, एक ही अल्फाज है, एक ही अल्फाज, एक अल्फाज में इतने बड़े सवाल का जवाब एक ही अल्फाज में, क्या है सर? बरकत। माशाल्लाह सर, बरकत तो है, बिल्कुल बरकत होगी, होनी भी चाहिए, इसी से बिजनेस ऊपर जाता है। लेकिन बरकत के पीछे जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, आपकी रिसर्च होती हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाते हैं, तो वो क्या ऐसी चीज है जिसने आपके प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाया हुआ है? पूरे वजन की बरकत। पूरे वजन की बरकत, मतलब बेमानी नहीं है तो बरकत आ गई। ऐसे ही अच्छा सर, वजन तो पूरा आपने कर दिया, अगर हम सिर्फ इसकी बेस पे काम करेंगे, भाई वजन पूरा है उसकी वजह से बरकत आ गई है, उसकी वजह से इनका कुकिंग ऑयल जो है वो बड़ा ही बेहतरीन है, तो ये सिर्फ जो है ना वो काफी नहीं है। सर कुकिंग ऑयल की आपकी वैल्यू क्या है, आपके कुकिंग ऑयल के स्टैंडर्ड क्या है? आप वेट तो पूरा दे रहे हैं, क्या पता इसके पीछे इस वेट में क्या शामिल है, ये बात मायने रखती है सर। ये भी एक अल्फाज में बता देता हूँ, बताइए सर। ईमानदारी। ईमानदारी तो सर, अच्छी प्योर क्वालिटी देने की ईमानदारी, अच्छी प्योर क्वालिटी देने की ईमानदारी है। तो सर आप कहीं ना कहीं इसको जो है ना वो कहां से बचत कर रहे हैं जो आपके रेट जो हैं वो ऐसे कुकिंग ऑयल से मैच करते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड लो होता है, ऐसा क्यों है? किफायत शारी जबरदस्त हो गया। तो सर जी आपके जो कुकिंग ऑयल है इसको कितना टाइम हो गया, अभी मिजाज को कितना टाइम हुआ? देखिए हमने मिजाज को लॉन्च किया था 16-17-18 फरवरी एक्सपो सेंटर कराची में। एक्सपो सेंटर में लॉन्च किया था सर? एक्सपो सेंटर में मतलब कोई अपनी चीज नई बनाई हुई एक्सपो में ऐसी ले जाता है, वहां तो पढ़े लिखे काबिल समझदार लोग आते हैं, क्योंकि ऐसे ही उठ के कोई भी एक्सपो में, शुगर मेले के लिए बहुत ही कम लोग जाते हैं, जो सिर्फ जाते हैं दूर दराज लोगों को देखते आ जाते हैं। यहाँ पे आपके स्टॉल्स में लोग आए होंगे, सवाल जवाब भी हुए होंगे, तो क्या वजह थी कि आपने वहीं पे लॉन्च किया? सबसे पहले आप गूगल पे जाएं,
सही है, मिजाज कुकिंग ऑयल लिखें, ठीक है, वीडियो सेक्शन में जाएं, सही है, आपको सारी मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। हमने किस तरह इसको लॉन्च किया, हाँ, कस्टमर रिव्यूज क्या थे, ठीक है, किस तरीके से ऑयल आया, सही है, मार्केट में रिव्यू क्या है, सही, सारी कंपनीज जो ऑयल बेच रही है सब मेरे भाई हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ मेरे में खास क्या है, हमारा फेसबुक पे पेज है मिजाज कुकिंग ऑयल के नाम, सही है, आप उसमें जाएं, ठीक है, उसको सर्च करें, हमने कस्टमर रिव्यू वॉल बनाई हुई है, कस्टमर रिव्यू वॉल जी ओपन ओपन रखी हुई है, ओपन है, तो उस आप पे, चेक कर लें, उस पे रिव्यूज हैं, अभी चेक कर सकती है आप, हम जो मिजाज कुकिंग ऑयल लेता है सही है, मेरी टीम सही मिजाज है, कुकिंग ऑयल परचेज करने के बाद उसको उस रिव्यू वॉल का लिंक दे देती है, अच्छा, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है दे उसे। देते हैं, उसके बाद वो वहां जाए उसकी मर्जी है, भाई क्या कोई ऐसा है देखने वाला जिसने ये चीज देखी हो कि आपने कोई नेगेटिव रिव्यू दिया और डिलीट हो गया, तो बताए वो, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, सही आप है, इस वीडियो में अटैच कर दीजिएगा और दिखा दीजिएगा, इसके बाद वो वहां जाता है, कलम उसके हाथ में है, सही है, पेपर उसके पास है, सही है, डिजिटल पेपर है, हाँ, डिजिटल कलम है, सही है, जैसा वो पाए सही है, ईमानदारी के साथ, देखिए ये शर्त है, सही है, आप अगर गलत कमेंट कर रहे हैं और ऐसी चीज नहीं है, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, वो जी, आप जाने, आपका ईमान जाने, ठीक है, आपको अगर क्वालिटी में कोई फर्क लगा है, पैकेजिंग में कोई फर्क लगा है, कोई भी इशू आया है, आप वहां पर जाएं, वहां लिखें, मैं खुद उसको मॉनिटर करता हूँ आप खुद उसको मॉनिटर जी, करते हैं, ऐसा ही है सर। एक मसला हमें यह है कि हमने जो ये आपका कुकिंग ऑयल है ना, वो सिर्फ शॉप्स पे देखा है, लोगों के घरों में देखा है, बड़े बड़े ऐसे मार्ट्स हैं जहां पे आपका ऑयल मैंने देखा ही नहीं है, क्या फायदा इतना बड़ा ब्रांड बनाने का सर? बहुत छोटी सी एक बात है, बड़े मार्ट्स में मैं चले जाता हूँ, सही है, इंडक्शन कौन देगा, तो सर दूसरे भी तो दे रहे हैं ना, दूसरा भी तो काम कर रहे हैं ना, आपने इतना बड़ा ब्रांड लॉन्च कर दिया है, आप बता रहे हैं कि आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतरीन है, तो ऐसा क्यों है कि आप चाहते हैं ये सिर्फ घर तक रहे? नहीं मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो कस्टमर है ना उनको सस्ता मिले, मैं इंडक्शन के चार्जेस किससे लूंगा, कस्टमर से सभी लेते हैं, प्रमोशन के चार्जेस किससे लूंगा, कस्टमर से सर, जेब से कौन देता है, एक बार जेब से लगा देते हैं उसके बाद वसूल तो आप हमसे ही करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के पैसे किससे लूंगा, कस्टमर से ही आएंगे लाजमी सी जब बात है, सब कुछ मैं कस्टमर से लूंगा तो ये ऑयल का रेट तो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो फिर मैंने कस्टमर को रिलीफ दिया क्या, मैंने भी वही चूरन चटनी बेची है, सर। ऐसे ऐसे क्या मामला हैं कि दूसरे भी ऐसा काम कर रहे हैं, बचत उन्हें भी हो रही है, आप आपका ये जो पाउच है, अगर ये पाउच जो है ये स्टैंडर्ड पाउच है, इसमें क्या ऐसी क्वालिटी है कि बंदा मिजाज क्यों ले, सिंपल सा सवाल मैं है, ये मिजाज पीली क्यों ले? इतनी छोटी कर दूं, रेट कम हो गया, सही है, ये काटन है हमारा, सही आवाज है, देख रहे हैं आप, बेहतरीन है, हैवी काटन है ये, 5 kg का आई थिंक, सही है, ये काटन मैं हल्का कर देता हूँ, क्वालिटी सस्ती हो जाएगी, तो बड़ा रखने की वजह क्या है? स्ट्रेंथ मजबूती, एक बंदा स्कूटर में जा रहा है, गरीब बंदा 5 लीटर तेल अपने घर के लिए लेके जा रहा है, अगर वो ठेली फटने से वो गिर जाता है और कार्टन जमीन पे गिरने के बाद चलती स्कूटर से फट के तेल जाया हो जाता है, तो मुझे आप ये बताओ वो नुकसान कौन सर देगा, इतने ऊपर से तो ये थैली फेंके, ये भी फटेगी, आप पर फेंक नहीं सकता, वरना फेंक के दिखा देता, नहीं फटेगी, कहीं नहीं जाएगी। नहीं फटेगी, अच्छा मुझे बताएं, ये डबल रिफाइंड आपने लिखा हुआ है अपने कॉर्डन पे, ये देखना है, डबल रिफाइंड, क्या क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? डबल रिफाइंड मतलब एक बंदा जो है एक वो बार प्रोसेस होने के बाद दोबारा प्रोसेस को कहते हैं डबल रिफाइंड, अच्छा मतलब मजीद प्योर हो जाता है वो ऑयल। अच्छा सर एक एक और बात है कि एक जगह ये आपका कुकिंग ऑयल रखा हुआ है, एक जगह दूसरा रखा हुआ है, बंदा इसी को क्यों उठाएगा, क्यों उठाना चाहिए उसको, क्या लॉजिक है? मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मिजाज है, मैं उसको क्यों उठाऊंगा? मुझे मुझे कैसे पता लगेगा हाँ ये स्टैंडर्ड है, इस पाकिस्तान से आपने जो है वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं, उसके बाद आपके ये स्टैंडर्ड निकला है, मतलब मुझे कैसे ये बात समझ आएगी, मुझे समझाएं आप ये बात। ऐसे बातों से नहीं समझ आएगा, ये देख रहे हैं आप, कॉटन की फील चेक करने, कॉटन की फील चेक करने, ये तो ठीक ठाक आपने ये मोटा बना दिया है, अब ये क्वालिटी है, मैंने इसको कुछ भी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, जबरदस्त चेक माशाल्लाह, सही है। अच्छा ये बताइए मुझे कि आप इतनी बड़ी जो है वो इतना बड़ा आप, अब मैं आपको एक चीज और करके दिखा रहा हूँ, अच्छा प्योर निशान है, जी, छोटे छोटे से इसमें जो है वो झाग टाइप के आए हुए हैं, जी ये देखें, अगर ये गाढ़ा होगा तो इस तरह नहीं होगा, अच्छा आप ये देखिए, एक थैली नहीं, सर
सारी ही एक जैसी हैं। आप देखे जाएं, मैं दिखाता जाऊंगा। सही हो गया। अब ये देखें, ये काट सर, अमूमन जो है ना ये फेंकने से भी खराब नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं है कि आप जो है, क्योंकि लाजमी सी बात है, लोग जो है ना बाइक वगैरह पे जाते हैं अपने घर की ग्रोसरी लेने के लिए, उसके बाद आपका तेल फट गया तो फिर। देखिए मैं नीचे से ऊपर आया हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से आज यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे हर वो चीज़ें पता हैं जो एक नॉर्मल बंदे के घर में परेशानी होती है। सही, मैं हर चीज़ पर रिसर्च करके यहाँ आया हूँ। सही, मुझे पता है कि ऑयल क्या होना चाहिए, पैकिंग कैसी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे आप बता दें कि हमारी इस्लाम में हमको ये बताया गया है कि वजन में चोरी करने वाला, वजन में डंडी करने वाला हम में से नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर हम वजन में कमी करेंगे तो हम फिर क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं? ये हमारे लिए सवालिया निशान है। सच्चा ताजिर जो है कयामत के दिन अंबिया इकराम की सफों में मौजूद होगा, तो इतनी अब बड़ी बात। सच्चा ताजिर बनेगा कैसे? ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई। सच्चाई ये है कि ये माल प्योर है। ईमानदारी क्या है कि मैं अच्छी चीज डाल रहा हूँ। दयानतदारी क्या है? आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं आपको डिलीवर वही चीज़ करूँ जिस चीज़ के मैं पैसे ले रहा हूँ। अच्छा जी, एक सवाल और है, वो ये कि मैं अपने घर में खुला तेल ले रहा हूँ, खुला तेल लेके मैंने उसको पैक वैक कर दिया है, मैं अपना ब्रांड बना के बेच रहा हूँ, क्या इससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ना ये स्टैंडर्ड पे अपने मौजूद है, ऐसा नहीं है कि घर में बन रहा है? पाकिस्तान स्टैंडर्ड PSQC से हमारा लाइसेंस है। लाइसेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा देखिए, खुले तेल में एक शॉप होती है, उसमें एक टंकी होती है। सादे देखिए, आपके सब्सक्राइबर मेरे भाई सब सादे अल्फाज वाले हैं, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, क्लियर बात करूँगा। एक टंकी है, उसमें माल आता है, माल भरता है, नीचे नलका लगा हुआ है, वो भर रहे हैं, तेली घुमा रहे हैं, आपको दे रहे हैं। उस टंकी की कभी जाके वीडियो बनाई है आपने? नहीं, उस टंकी में कोई फिल्टर लगा हुआ है? मेरा नहीं ख्याल, उस टंकी की कभी सफाई होती है? पता नहीं वो उस कैसे टंकी पे होगी, कोई ढकना भी होता है? किसी दिन छुट्टी नहीं होती उनकी, तो सफाई कैसे होगी? तो फिर आप समझ जाए कि मलमल का कपड़ा नलके के ऊपर बांध के जो तेल छान के आपको दिया जा रहा है, क्वालिटी है क्या? एक बात तो आप आज क्लियर कर लें, सस्ते में एक चीज आपको जो लोकल मार्केट में मिल रही है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक है। दिल की शरियानों में जाके वो तेल जम जाता है। और मैं आपको बताने वाला हूँ, गर्मी आ रही है, हर बंदा ओलियन बेचेगा पैक कर करके कि गर्मी में ओलियन जमता नहीं है इसलिए पता नहीं चलता, और दो नंबरी से करोड़ों रुपए का कारोबार कर जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा चलता है कराची में, ठीक ठाक ये वाला तेल देखिए मैं बिकता है किसी यार। को गलत नहीं कहूँगा, ना मैं किसी को बुरा कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जितनी अवेयरनेस पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचाऊँगा, अवेयरनेस दे रहा हूँ। मैं भी इसको माटों में बेच के और जगहों पर रखवा के 5-5 लाख 4-4 लाख रुपए के इंडक्शन देके अपना ब्रांड बना के बेच सकता हूँ। लेकिन मुझे आप ये बता दो, कस्टमर को रिलीफ दे कौन रहा है? आवाम पिस रही है। अरे भाई, 250-350-300 रुपये पर कार्टन नफा ले रहे हो, एक बंदा है जो घर के अंदर 10 लीटर तेल लेके जा रहा है, महीने के 600 रुपये का नफा दे रहे हो यार, ये कौन सा तरीका है? 600 रुपये अगर आप ब्लैक मनी या तेल में से निकाल रहे हो, 400-500 रुपये आप चावल में से निकाल रहे हो, 10-20 रुपये किलो पे आप चीनी में कर रहे हो, 200-250 रुपये आप दालों में बना रहे हो, एक बंदा गरीब बंदा जो 10,000 रुपये का राशन ले रहा है यार, 3,000 रुपये राशन तो उसके ब्लैक मनी में जा रहे हैं। ये सब ब्लैक मनी हो रहा है। गरीब बंदा क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है यार मेरा 10,000 का राशन आता था, आज 15,000 में नहीं आ रहा, नफे बढ़ गए। आप बहुत अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि बीच में जो ये बीगी बिल्लियाँ और ये जो मगरमच्छ बैठे हुए हैं ना, जो लल्लू बन के पेड़ा खा रहे माजरत के साथ, वो क्या कर रहे हैं? वो कट रख रहे हैं। मैं इस ऑयल को बिना कट पहुँचाना चाह रहा हूँ, ना तेरा कमीशन, ना इसका कमीशन, ना उसका कमीशन, डायरेक्ट फैक्ट्री से ले ले मेरे भाई। क्यों तू लोगों को कट दे दे के 400-500 रुपये ऊपर दे रहा भाई? मतलब ये ऑयल जो है डायरेक्ट घर पे भी आपके आ सकता है, फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, घर पे आए कार्टन खोलो चेक करो समझ आए ले लो। मतलब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप सर? यार आपको क्वालिटी नहीं समझ आ रही ना, मेरे रेडर को आप बोलो आई एम सॉरी।
वो चले जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। उसे पानी भी ना पूछो जाओ। अच्छा यहाँ मैं ये जो बीच की जो ब्लैक मनी है ना, इस डिस्ट्रीब्यूटर से, सोल डिस्ट्रीब्यूटर से, इस डिस्ट्रीब्यूटर से, यूं ने यूं ने यूं करते 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 सबके नफे जोड़ के 200 की चीज को 400 रुपए का बना देते हैं। ऐसे ही होता है। ये पिस को मतलब ये किसकी जेब पे पड़ रहा है? आवाम के, एंड यूजर के। पहले ऐसा होता था क्या? पहले एक आटे की चक्की होती थी, वहां गंदुम आता था, पिसता था, लोग लेते थे। अब क्या हो रहा है? अब गंदुम खरीदने वाला अलग ब्रोकरी ले रहा है, फिर वो गंदम को उधार देने वाला अपना अलग इन्वेस्टर प्रॉफिट रख रहा है, फिर वो उधार में खरीद के उसको पीस के उधार बेचने का अलग नफा ले रहा है, कैश बेचने का अलग नफा ले रहा है, उसमें अलग चीजें निकाल निकाल के अलग रेटों में बेच रहा है। मैंने तो एक आटे की मिसाल दी है यार। जितने लोग हैं सब समझदार हैं, आपके सब्सक्राइबर को बेवकूफ नहीं है, सबको पता है ये जो थर्ड पार्टीज जो भी इसमें घुस जाती है ना, इसकी कमीशन, उधार की कमीशन, रेट की कमीशन, ऊपर कमीशन, नीचे इन्वेस्टर, भाईजान ये सब चीजों को करके एंड यूजर के लिए महंगा करते हैं। सर एंड यूजर, आपने एक सवाल किया था कि आपका तेल सस्ता क्यों है, लोगों का महंगा क्यों? भाईजान हमारे यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी नहीं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं, अब तक कोई नहीं है या आगे भी कोई नहीं होने वाली? देखें सर, बात वही आ जाती है, मैं ये तेल ये तो कर सकता हूँ कि अगर आपको कम नफे पे काम करना है मैं दुकानदार को देता हूँ बेचे, सही, लेकिन अगर इसमें इन्वेस्टर घुसाने हैं, इसमें आपको थर्ड पार्टी बंदे घुमाने हैं, इसमें आपको कमीशन दर कमीशन कारोबार करना है, तो इस सब का बोझ एंड में आके पड़ता है कस्टमर पर। अच्छा तो सीन पता है क्या? सीन ये है कि घर की जो लेडीज होती है ना, अमूमन उन्हें जो है ना वो इससे लेना देना नहीं होता, उनको नहीं समझ में आ रहा था ये वाला तेल भी वो देख रही होती है सेम है, खुला जो ले रही है वो भी सेम है, उनको मसला कहाँ हो रहा होता जब वो जाके अपनी बाल्टी या किसी चीज में पलटती है, जिनको उनको पता होता है एक किलो तेल इसमें आएगा, वो जब ये तेल लेके जाते हैं जाके अपनी बाल्टी में डालते हैं तो थोड़ा स्पेस बच जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये तेल कम है, और वाकई में इस पैकिंग में जो तेल होता है ना या इसमें जो तेल होता है सर वो कम होता है, ये वाला मसला है मुझे। क्या फायदा अब यहाँ पे कमा लेंगे? लोग क्या करते हैं, लोग ग्रॉस वेट बेचते हैं। ग्रॉस वेट, हम नेट वेट बेचते हैं। अच्छा ग्रॉस वेट पहले समझा दें क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेट वेट 1 लीटर, सही है। ग्रॉस वेट ये होता है कि वो इस थैली को इस ऑयल में काउंट करते हैं। हम थैली थोड़ी खरीद रहे हैं, थैली तो यार तुम जाके कुछ लोग है ना सब्जी धनिया भी लोग है ना 10 रुपए की गड्डी वो भी थैली लगा देगा। ये वाकई हम थैली थोड़ी खरीद रहे हैं, मैं तेल से सरोकार है, फेंक देंगे थैली, थैली का क्या करेंगे? धनिया की गड्डी थैली में मिलती है तो तेल की थैली के क्या पैसे अलग से लोगे यार? मतलब 10 रुपए के धनिये में वो थैली ऐड करता है, सही समझ आता है। यहाँ पे अगर लेट सपोज 300 या 400 500 का ऑयल है, ऑयल के रेट पे थैली बिक रही है, बात ये समझने वाली है, तो आपके इसके अंदर जो मटेरियल है सर वो पूरा वजन पूरा है 1 लीटर पूरा 1 लीटर। लेडीज जो है वो अपने घर में बाल्टी वगैरह में पलट के ये चीज चेक कर ले आराम से, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ना करें। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला समझाता हूँ। आप मिजाज कुकिंग ऑयल का एक कार्टन ले, परचेज करें जी, अपनी बाल्टी में डालें, ठीक है, इसको यूज करें, ठीक है। अगर महीने के एंड में आपको बरकत हो गई हाँ, तो आप समझ जाए कि ये वाकई पूरा वजन, क्या बात कर दी, अगर बरकत ना हो तो आप समझ जाए कि इसमें वजन कम है, जबरदस्त, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता जिस काम में ईमानदारी से पूरा वजन दिया जा रहा हूँ बरकत ना हो। अच्छा इसको, ये जो थैली है इसको हम अगर वेट मशीन पर रखते हैं तो ये 1 लीटर या 1 किलो से ऊपर निकलेगी? ये निकलेगी 908 ग्राम। 908 ग्राम जी, ये लीटर में आपने काउंट किया, वैसे लीटर और केजी में थोड़ा सा फर्क होता है। वाटर से रिलेटेड जितने आइटम होते हैं, लिक्विड रिलेटेड जो आइटम होते हैं वो लीटर में होते जी। ये 1000 ml है पूरा, और इससे ज्यादा होगा, 1000, 10, 12, 15 ml, 908 ग्राम। सही सही सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी मिजाज जो है वो सिर्फ कुकिंग ऑयल पे ही काम कर रहा है? मिजाज अनकरीब अपने चावल लेके आ रहा है, चावल भी, क्योंकि मैंने रिसर्च करी हुई है जिन जिन चीजों पे बड़े बड़े नफे लोग खा रहे हैं ना थर्ड पार्टी जी, वो कम करके कस्टमर के लिए एक ऐसा पैकेज लेके आना है कि उसको घर बैठे उसके राशन में नफा हो, बरकती चावल कह सकते हैं हम इसको, वो इंशाल्लाह जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या रेट है मिजाज का? फ्री होम डिलीवरी के साथ घर पहुंचा के, ठीक है, कराची में कहीं भी? कराची में कहीं भी। काम आपका पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में? पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे आपका ये तेल मौजूद है, मिलेगा। जो जो दुकानदार हमारे साथ इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि हम इस चीज को सस्ता बेचेंगे, हम उनको माल दे रहे हैं, सस्ता बेचेंगे।
अपना मुनाफा रखने के बाद भी सस्ता बेचें। मुनाफा रखें, मुनाफा खोरी ना करें यार, मुनाफा रखें। प्रॉफिट हर बंदे का हक है, लेकिन अपने जायज प्रॉफिट रखें, मुनाफा खोरी ना करें। अगर कोई कस्टमर या कोई दुकानदार इस केस में आता है कि वो मुनाफा खोरी पे नजर आ रहा है और वो कह रहा है यार नहीं, तो उसके लिए मेरे पास नंबर है 03197710103। आप कॉल करें, कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करें, ऑर्डर बुक करके आपको ये ऑयल आपके घर पे फैक्ट्री रेट में पहुंच जाएगा। फैक्ट्री रेट पे? जी। तो क्या चल रहा है अभी का फैक्ट्री रेट सर? 2150 रुपये फ्री होम डिलीवरी। बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। मुझे पता है कि जब ये वीडियो डलेगी और कमेंट्स होंगे तो लोग बोलेंगे ओ भाई 1800 में डब्बा मिल रहा है, 1700 में डब्बा मिल रहा है, 1600 में भी डब्बा मिल रहा है। भाईजान, रोड पे खुला, सड़क पे भी तेल मिल रहा है। किसी का टैंकर उलट गया होगा, लोग जमा होकर भर के जा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्वालिटी को जाने पहचाने फिर माल खरीदें। आप हमेशा गलत कमेंट ना करें, मार्केट रिसर्च करें, देखें अच्छे ऑयल बड़ी कंपनीज के रेट्स क्या हैं, फिर आप इसको चेक करें, ना कि कमेंट्स में लिखते हैं 1600 का डब्बा है, 1700 का डब्बा है। अबे भाई 1500 का भी डब्बा है, 900 ml का भी तो डब्बा है ना भाई। आप 900 ml ले रहे हो, आप 800 ml ले रहे हो, नहीं ना, आप पूरा वजन ले रहे हो। ओलियन भी है, कचरा भी है, और भी चीज़ें हैं बहुत सी, ही खाने वाले ऑयल हैं, आप वो ले रहे हो, या फिर आप मेरे ऑयल का उनसे मुनासबा कर रहे हो। तो सर जायज कमेंट दें, जायज चीज़ देखें, पहले इस्तेमाल करें फिर बात करें, बिना यूज करें कभी भी कमेंट पास ना करें। अच्छा, फ्री फ्री डिलीवरी, सुनी सुनाई बातों पे आगे बढ़ा देना ये भी हमारे दीन में मना है। पहले आप चेक करें, अगर आपको कोई भी खराबी है, हमारा सर्विस सेंटर नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, आप वहाँ कंप्लेन करें। अगर हमारा नुमाइंदा आपकी कंप्लेन को ना सुने तो आप बोलेंगे वाकई में गलत कह रहा हूँ। आप कंप्लेन करें ना, आप बिना यूज़ करे कमेंट दे दें भाई इतने का डब्बा नहीं, उतने का डब्बा, तो भाईजान फ्री का भी डब्बा है, लेकिन हमारी क्वालिटी है, पहले वो चेक करें फिर बात। अच्छा, फ्री डिलीवरी देने का मकसद भी यही है कि आपके घर घर पहुंचे और आप इसको एक दफ़ा चेक करें, चेक करें, भले 1 किलो आप ये ले लें, इसको चेक करें, ये भी इसकी भी हो जाएगी फ्री डिलीवरी। हमारा हम फैक्ट्री रेट बेच रहे हैं तो हम कार्टन सेल करते हैं। 5 kg कम से कम जी, 5 लीटर कम से कम, 5 लीटर कम से कम। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पर लीटर क्या पड़ रहा है इस वक्त? 2150 रुपये का कार्टन पड़ता है आपको, तो ये आपको 430 रुपये की थैली पड़ जाती है। यार जहाँ तक मेरी रिसर्च है ना, मार्केट में जो खुला तेल बिक रहा है इस वक्त सर, ये उससे सस्ता दे रहे हैं आप। 450 रुपये मैंने रेट सुने आज के। अब मैं अगर फिर से वही बात दो रहा हूँ तो ये तो एक तो यार अगर आप मार्केट से खुला तेल ले रहे हैं 450 रुपये का और वो केजी में आपको दे रहा है 450 रुपये का, वो खुला तेल है, कैसा है क्या है, हर बंदे को पता है जो खुला तेल लेता है वो क्या खा रहा है उसको पता है। सिर्फ ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, रेट थोड़ी बचत हो जाती है कम पैसों में, ये तो भाई उससे भी सस्ता है, उससे भी सस्ता है। 5 kg में फ्री डिलीवरी हो रही है, और क्या चाहिए। देखें 150 रुपये बचा के डॉक्टर का बिल ना पड़वाएं। अस्पताल के अंदर बिल तो पड़ता है, अजियत भी बहुत होती है जब आपका कोई करीबी कोई रिश्तेदार जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है और डॉक्टर कहता है भाई इनके तो हार्ट के 2 बाल बंद हैं, इनके तो 3 बाल बंद हैं, इनके तो हार्ट सर्जरी होगी, इनका तो बाईपास होगा, तो वो पैसे देखे पैसा हर बंदा दे देता है। जो उस वक्त अजियत होती है ना, उस अजियत के बारे में सोचने के लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी रिसर्च करके चीज़ यूज़ करें। सर ये उस वक्त की अजियत नहीं है, ये जिंदगी मरते दम तक की अजियत है सर ये। देखिए थोड़ी सी हमारी कोताही हमें बहुत बड़ा नुकसान दे देती है, तो उस कोताही से बचने के लिए आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस पर थोड़ी सी वर्किंग करें। और प्लस कुछ चीज़ें होती हैं धुल जाती हैं, फ्रूट लेंगे आप धुल जाएगा, सब्जी लेंगी धुल जाएगा, चावल लेंगे धुल जाएगा, आप धो के काम मुर्गी लेंगे धुल जाएगी, गोश्त लेंगे धुल जाएगा, तेल तो नहीं धुलता ना। नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, तेल नहीं धुलता, तो तेल अच्छा इस्तेमाल करें। मसाला नहीं धुलता, मसाला अल्सर करता है, लोग मसाले और भूसा वूसा सब मिला के ले रहे हैं, मसाला धुलता थोड़ी है भाई, थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ा अच्छा मसाला इस्तेमाल कर लो। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो धुलती नहीं है, उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना वो इंसान को घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से फिर लाई आसानी करें। चलें जी। अच्छा जी, आपने जो है नंबर वगैरह दे दिया है, डिलीवरी अगर कराची में हम कराते हैं तो कितने वक्त में मिल जाएगी सर ये? देखें सर, डिलीवरी करने वाला जो राइडर है ना वो मेरे जैसा आप जैसा भाई है, इंसान है, मशीन इसको पैक करती है,
पहुंचाने के लिए इसको इंसान ही आता है। अब इंसान को रोड पे मामलात भी होते हैं, ऑर्डर का रश भी होता है, ऑर्डर दें, देने के बाद तहम्मुल करें। हमारा नुमाइंदा आपको बिल भी सेंड करेगा, आपको डिलीवरी भी बताएगा, राइडर का नंबर भी देगा, राइडर आपके घर पे आके आपको ऑयल चेक करा के आपसे होम डिलीवरी करके कैश ऑन डिलीवरी ले जाएगा। लेकिन थोड़ा सब्र तहम्मुल रखें, अभी ऑर्डर दिया है, घंटे में तेल नहीं आएगा। सही, एक अंदाजे के हिसाब से 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। सही, ऑर्डर्स होते हैं, सबको डिलीवर करना होता है। आप तो ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर देने के बाद किसी को फोन करते हैं, यार आज हमारे घर पे नहीं है। कराची में होम डिलीवरीज कामयाब क्यों नहीं है? हमारे कस्टमर सिंसियर नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि भाई आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर पे हमने कॉल कर दी। सही है, कॉल करके आपने कंफर्म कर दिया। सही है, अब जब माल आपके पास लेके आ रहा है वो बंदा, आप कह रहे हैं सर मैं तो दावत में चले गया हूँ। देखिए सर, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यकीनी आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो गरीब बंदा जो जॉब कर रहा है धूप में, मसले मसाइल, मट्टी वगैरह, आपको पता है पोल्यूशन कितना है कराची में, उसमें आपके घर तक पहुंच के वो ऑयल लेके आ रहा है, 4 माले 3 ऊपर चढ़ के, लिफ्ट है, सीढ़ी है, ऊपर आके वो आपके घर पे खड़ा है। आप कह रहे हैं यार घर पे नहीं है, दावत में गए, तो आप मुझे बताएं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं पड़ेगा, वो बंदा कितना डिसार्ट होगा? अच्छा सर, ये तो ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी की कोई मजबूरी हो गई, वो चला गया अचानक। लेकिन मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, हल इसका होना है कि हल एक ही है। क्या? आप इंसान की कदर करें। अगर आपने उसको कहा है कि आप इस टाइम पे आएँ, तो आइए, आपका फ़र्ज बनता है कि आप उस टाइम पे उसको अवेलेबल मिलें। अगर आप अवेलेबल नहीं हैं, तो आप किसी को अवेलेबल करके जाएँ। अच्छा देखिए, ये 2 दिन की हमने बात की ना, तो 2 दिन में अब मेरे घर में, लेट्स सपोज मैं मेरी वाइफ है, हम दोनों जॉब करते हैं और हम दोनों चले गए, ठीक है। अब हमें नहीं पता वो बंदा सुबह आ रहा है या रात में आ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जिस वक्त ऑर्डर प्लेस किया जाए, बिल उनको सेंड किया जाए, उस वक्त अगर राइडर का नंबर दे दें, ताकि वो राइडर से कोऑर्डिनेट कर लें कि यार आप सुबह में आएंगे, शाम दोपहर? हमारे एरियाज हैं जो डिवाइड हैं, उन एरियाज वाइज काम होता है, लेकिन मैं इसका एक प्रॉपर हल दे देता हूं। अगर आपका इन पे भरोसा है, तो आप हमारे ऑनलाइन बैंक नंबर के अंदर पेमेंट ट्रांसफर कर दें। पेमेंट आने के बाद आपको राइडर, आप घर पर हो नहीं हो, आपके किसी भी बराबर पड़ोसी को, चौकीदार को, ड्राइवर को, वो देके चले जाएगा। ये हल सबसे अच्छा है, ये बेहतरीन। हमारा कंपनी अकाउंट है निजान बैंक में, बैंक का लबीब में और चेस कैश में, आप वहाँ पर पेमेंट करके अपनी स्लिप शेयर करें, आपको डिलीवरी हो जाएगी। जिस टाइम ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, उसी टाइम बैंक अकाउंट नंबर भी सेंड कर दिए जाएंगे, ताकि ईजी हो जाए। अगर आपको ईजी नहीं, तो कैश ऑन डिलीवरी हमारी अवेलेबल है। वो तो किसी को कोई मसला ही कोई नहीं है, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा कोई पॉइंट है जो आप डिस्कस करना चाहें हमसे? वुमेंस डे आ रहा है, तो वुमेंस डे के ऊपर एक अपनी माँ बहन बेटियों के लिए एक छोटा सा बिजनेस दे देता हूँ। बिजनेस कोई माँ बहन बेटी घर में रिसेलर का काम करती हो या छोटा मोटा बिजनेस करती हो, तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि यार वुमेन, हमारी घर की माँ बहन बेटियाँ बिजनेस करें, आगे बढ़ें और मर्दों के साथ शाना बशाना काम सर करें। सॉरी एक बात आपकी काट रहा हूँ सर, जहाँ पे बात आती है माँ बहन की ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ मेरी बहन घर से बाहर निकल के काम करे। ऐसा बिजनेस आइडिया मुझे नहीं चाहिए कि माँ बहन घर से बाहर निकल के काम करे, कि आपके ये तेल के पैकेट लेके वो गली गली घूमे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा आइडिया सर। मैंने कहा कि आप रोड पे आए, मैंने पहले आपको तंबी कर दी है कि ऐसा आइडिया नहीं चाहिए सर। आप घर बैठे काम करें। घर बैठे काम करें जी? कैसे सर, कैसे पॉसिबल है ये? सिंपल है, आप घर बैठे हमें ऑर्डर करें, हमारी क्वांटिटी है वो मंगवाएं, हमारा नुमाइंदा आपके घर दे जाएगा, आप वो क्वांटिटी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, उन सब में सेल आउट करें। सही है, अब लेकिन आप उनको क्या कम रेट में देने वाले हैं? क्योंकि ऐसा ना हो बीच में अपना कमीशन रखें, यार हमें क्या बच रहा है, हमने 50 रुपये बढ़ा दिए फिर बेच रहे हम। देखें, सेल तो ऑयल होगा हमारे कंपनी रेट पे ही। वुमेंस डे के मौके पर एक हफ्ते की मैं आपको डील दे रहा हूँ कि जो बहन इंटरेस्टेड है काम करने में घर में रीसेल, वो अपनी एंट्री करवा लें हमारे नंबर पे एंट्री करवा के अपना इन्वॉल्वमेंट कर लें वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में, और इसके बाद वो हमारी रीसेलर बन जाए, हम उनको ऑयल घर तक पहुँचा के देंगे, और मैं अपनी जेब से पैसे कम करके जिस रेट में हम दुकानदार को देते हैं उसी रेट में आपको दूंगा। सही, आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में इसको सेल करें,
वो घर बैठे प्रॉफिट कमाएं। देखें आप उनसे कोई ऊपर मनी नहीं ले रही, आप सिर्फ उनसे जो आपके घर पे आया है आप उनको उसी रेट में ऑयल दे रही हैं। सही हो गया। बस बेनिफिट ये है कि आप एक क्वांटिटी उठा रही हैं, उसका आपको एक बेनिफिट है। सही है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। उसके लिए नंबर जो यूज़ करना है वो नंबर भी आपको हम स्क्रीन पे भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आपने भी नंबर बता दिया है। तो भाई ये जो मिजाज है, ये हर घर का मिजाज इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, साथ में आपको एक प्योर चीज़ मिल रही है, उसके साथ साथ रेट आपको वो वाले मिल रहे हैं जो कि आप खुला ऑयल लेते हैं उससे भी कम है यहाँ पे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मैं जानता हूँ मार्केट, मैंने विजिट किया, जाता रहता हूँ, मुझे पता है सारी चीज़ों के रेट। तो अब यहाँ पे आपने अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको नंबर मैंने दे दिया, वहाँ पे जाएं ऑर्डर प्लेस करें। आपको आपको जो इन्होंने ऑफर दिए बिजनेस ऑफर, उसे भी आप अवेल कर सकते हैं, कुछ मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी अपनी कम्युनिटी आस पड़ोस की, आपने सिर्फ वहीं पर वर्किंग करनी है और पैसे कमाने, घर से बाहर भी आपने बिल्कुल नहीं जाना। अब इस वीडियो को करता हूँ, आपको एक छोटा सा सवाल करूँगा। जी जी जी, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आप इनको देख रहे हैं, इनकी इज्जत करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तभी तो आपने इनको सब्सक्राइब किया है, आप इनको पसंद करते हैं। तो मैं आपसे एक, आपने मुझसे बहुत सारे सवाल कर लिए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल करता बिल्कुल जरूर जरूर, मिजाज कुकिंग ऑयल को आप प्रेफर करेंगे अपने सब्सक्राइबर को कि वो लें? सर बिल्कुल करूंगा भाई। यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले मैं इनके पास तकरीबन 1.5 घंटा बैठा हूँ और मैंने सब जांच पड़ताल किए, एक एक चीज मैंने चेक किया, 1.5 घंटा सिर्फ बैठ के बातें ही की हैं, उसके बाद ये 10 मिनट की वीडियो निकल के आ रही है। तो मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा, और रिकमेंड क्या करूंगा, मैं यहाँ से खुद परचेज करूंगा, अपने घर में इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आपको पता है कुकिंग वगैरह भी मैं करता हूँ और आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपके, अगर आप अगर इनके सब्सक्राइबर हैं, इनकी बात मानते हैं और आपको लगता है कि ये आपके साथ सिंसियर हैं और आपसे रियलिटी बेस बात करते हैं, आपने एक कार्टन ऑर्डर करना है। एक कार्टन ऑर्डर करके आपने इसकी तस्वीर, कार्टन की तस्वीर इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपके आ रहा है इस पे व्हाट्सएप करनी है, हम आपको इनकी लिस्ट में ऐड कर देंगे। और इंशाल्लाह जब आपकी हम कुरानदाजी करेंगे और कुरानदाजी में जो इनाम निकलेगा वो ये खुद भाई आपको अपने हाथ से देंगे। जबरदस्त हो गया भाई, और क्या चाहिए, तेल हर घर की जरूरत है। और जब हम मिजाज, तो मिजाज तो यकीनी है हर घर में होता है और घर में ही अच्छा होना चाहिए। तो इसीलिए आपने जो है वो नंबर पे कांटेक्ट लाजमी करना है, चेक जरूर करना है। अब बीमारियों को अपने घर से खत्म करें यार, बीमारियों के साथ जहां पे बिल फटता है ना, बिल डॉक्टर का फटता है, साथ में बंदा भी फटता है, ये बड़ी मुसीबत है। एक कार्टन आप अमीर हो जाओगे या गरीब हो जाओगे, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट का मसला है। इस वीडियो की रियलिटी आपको पता चल जाएगी एक कार्टन परचेज करने से कि ये रियलिटी बेस वर्क था या नहीं था। तो मेरे सब्सक्राइबर को अच्छी तरीके से पता है, जहां का फूड अच्छा नहीं होता ना, मैंने क्लियर बोला है कि यार यहाँ पे मजा ही नहीं आया। और लोग अगर कमेंट करके मुझसे पूछते हैं ना भाई क्या है, मैं बोलता हूँ हाँ ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नहीं जाओ, मुझे मजा ही नहीं आया। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि पेड वीडियोस हैं मेरी, उसमें मैंने बोला है, उसमें बोला है, लोगों ने देखी और कमेंट भी किया, उसमें बोला है कि यार ये चीज़ अच्छी है ही नहीं, मुझे नहीं है ज़रूरत आपके 20,000-30,000 की, मुझे जो है वो जो मेरे पास व्यूवर्स मौजूद हैं इस वक्त, मुझे उनकी ज़रूरत है सर, उनकी इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। उसी बात पर फिर आप एक कार्टन ऑर्डर कर रहे हैं और इंशाल्लाह बता रहे हैं कि ऑयल कैसा था और ऑयल अच्छा था या नहीं था ये बता के लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। इंशाल्लाह यही आपको अपने हाथ से जो आपका गिफ्ट होगा वो देंगे। इंशाल्लाह जी, अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।